हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। केमिकल बॉन्ड्स पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे, तो हम इनको स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल बॉन्ड। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। हाँ जी, केमिकल बॉन्ड chemical bond, the attractive forces between atoms, ions or molecules in a compounds are known as chemical bonds। क्या बताया मैंने? मैंने कहा हमारे पास जो किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम, आइंस या मॉलिक्यूल्स, इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाती है, जो कशिश की फोर्स पाई जाती है, अट्रैक्शन पाई जाती है, उन अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड्स। क्या नाम देते हैं? केमिकल बॉन्ड्स। अब हम देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड्स, क्या अट्रैक्शन सारी एक जैसी होती है? नहीं, सारी अट्रैक्शन एक जैसी नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ केमिकल बॉन्ड भी एक किस्म के नहीं होते, केमिकल बॉन्ड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि कितनी टाइप्स के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। हाँ जी, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स की मेजर थ्री टाइप्स है हमारे पास। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने ये बताया कि हमारे पास जो बॉन्ड है बेसिकली वो कितने किस्म के हैं? थ्री किस्म के मेजर। वैसे मेटालिक बॉन्ड भी होता है हमारे पास, जो अपने इस कोर्स का हिस्सा है, जो हम डिस्कस करेंगे वो थ्री है, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम इनको स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले ये देखते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। मैंने कहा कि आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसको डिफाइन किस तरह करते हैं? डेफिनेशन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आइंस इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। मैंने ये कहा कि अपोजिटली चार्ज्ड आइंस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो कशिश की फोर्स होती है, उसे हम नाम देते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्लियर हो गया? अब ये जो आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, ये लेविस कंसेप्ट के मुताबिक पढ़ेंगे। ये लेविस ने दिया था कंसेप्ट इन बॉन्ड्स के बारे में, तो लिहाजा लेविस कंसेप्ट के मुताबिक आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये हम डिस्कस करते हैं। मेरी बात समझ आ गई? डेफिनेशन क्लियर हो गई? हाँ जी। अब लेविस कंसेप्ट के मुताबिक आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है? आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम टू इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। हाँ जी,
लेविस कंसर्ट के मुताबिक जो आयनिक बांड है ये ऐसे बनता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन ये फॉर्मेशन कैसे होती है? फॉर्मेशन होती है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम से ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। और जब एक एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, डोनेट कर देता है, तो उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। इस तरह पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज आयन इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है, और उस अट्रैक्शन से जो बांड होता है उस बांड को हम क्या नाम देते हैं? आयनिक बांड। मेरी बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? मैंने कहा कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? फॉर्मेशन होती है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होता है। कैसे? सपोज एक एटम ए है, दूसरा एटम बी है। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है बी में, तो ए पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव, और बी पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। और इनके दरमियान अट्रैक्शन होती है, कशिश होती है, और अट्रैक्शन की वजह से ये आपस में जुड़ जाते हैं, और इस जुड़ने को क्या बोलते हैं जी? आयनिक बांड। क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात? अब हम देखते हैं कि कंडीशंस क्या हैं फॉर आयनिक बांड। कंडीशंस फॉर आयनिक बांड, कंडीशंस फॉर आयनिक बांड सबसे पहले कंडीशन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट शुड हैव लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो वो उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। क्यों कम होगी? कम अगर होगी तो इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा। तो कौन से एलिमेंट हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है? ग्रुप नंबर किराना के पर मेहमान ए और टू ए के जो एलिमेंट हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहलाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले एलिमेंट। दूसरी कंडीशन इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट शुड है लोएस्ट, उसमें लोएस्ट था इसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैंने कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लोएस्ट होनी चाहिए, और जो आपके पास इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। ठीक है, और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट जो है ये चेंज हो जाएंगे आयंस में, और इनके दरमियान जो बांड बनेगा वो होगा आयोनिक बांड। क्लियर हो गया? अब हम इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास के सी एल फॉर्मेशन। अगर गौर करें इस पे, जो के है प्रकाश, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 19। इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। दूसरे में 8, और तीसरे में कितने होते हैं? 8। चौथे में कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब इसको हम देते हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और एनर्जी के प्रोवाइड करने के रिजल्ट में जो पोटेशियम है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, और पोटेशियम आयन बन जाता है, इसे बोलते हैं कैटायन। क्लियर हो गया? अब ये आयन बन गया, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आ गए? 2, 8, 8, और एक इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो गया। क्लियर हो गया? समझ आ गया मेरी बात? और इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए इसको एनर्जी देनी पड़ती है, और ये एनर्जी कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी, और ये एनर्जी बहुत कम होती है, 400 समथिंग होती है। मैंने बताया 400 समथिंग होती है, यानी बहुत कम एनर्जी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें दूसरा आ रहा है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इसके पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 2, दूसरे में 8, और तीसरे में हमारे पास कितना आ रहे हैं? तीसरे में हमारे पास आ जाएंगे 7। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगी,
और इस गेम करने के रिजल्ट में कैलोरी में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एनर्जी कितना खारिज होगी 349 किलो जौल। तो ये लोएस्ट है, ये बहुत हाईएस्ट है, समझिए ये लोएस्ट है इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी क्या है हमारे पास हाईएस्ट है। क्लियर हो गया। और फिर क्या होगा, फिर हमारे पास होगा केसीएल फॉर्मेशन, केसीएल फॉर्मेशन। अब ये पोटेशियम आयन जो बन चुका है और क्लोरीन आयन जो बन चुका है, ये आपस में कंबाइन हो गया और क्या बन जाएगा केसीएल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मेशन, इसमें भी आयनिक बांड बनता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1, तीसरे में 1 और चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये एनर्जी ले ली यानी हीट की फॉर्म में और इसके रिजल्ट में बनेगा कैल्शियम आयन और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, और जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं वो हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 8, इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरे में हमारे पास कितने हैं 6। अब देखिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम लूज किए ये क्या करेगी, गेन करेगी और होगा क्या, होगा ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगी, इन आयन में कन्वर्ट हो जाएगी और इस दौरान एनर्जी जो है वो क्या होगी, रिलीज होगी। समझ आ गई मेरी बात। अब फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि कैल्शियम कैटायन और ऑक्सीजन इन आयन ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम नाम देते हैं आयनिक बांड। क्लियर हो गया। इस तरह हम और एग्जाम्पल भी पढ़ सकते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल हम एक और डिस्कस कर लेते हैं। Al2O3 फॉर्मेशन, एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्मेशन, ये भी आयनिक बांड है इसमें Al2O3 फॉर्मेशन। देखिए जरा इसमें ये फॉर्मेशन कैसे होती है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है और तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब ये एल्युमिनियम क्या करती है, एनर्जी जनरेट करती है, इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, इसके रिजल्ट में एल्युमिनियम आयन बन जाता है और ये 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करती है। और इसी के साथ जो ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है, ऑक्सीजन हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर भी हमने पढ़ा 8 है और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 होने चाहिए थे लेकिन 8 नहीं है, कितने इसमें 6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाते हैं और ऑक्सीजन एनायन बन जाता है और इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर हो गया। अब फिर होता क्या है, होता यह है हमारे पास कैटायन भी बन गया, एनायन भी बन गया। अब फिर ये कैटायन और एनायन आपस में कंबाइन होते हैं और इनके कंबिनेशन के रिजल्ट में एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। दीज आर एग्जांपल ऑफ एनायन बांड्स। क्लियर हो गया, समझ आ गई। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इसकी डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन के बाद हमने इसकी कंडीशन डिस्कस की और लेविस कंसेप्ट के मुताबिक पढ़ा कि लेविस कंसेप्ट इसमें आयनिक बांड के बारे में क्या कहता है और एंड में हमने इसकी डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस की। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोवेलेंट बांड जो है उसे डिस्कस करेंगे कि कोवेलेंट बांड क्या होता है। ठीक है।